डे वन को स्पॉन होता हूँ मैं एज अ बेबी टाइगर। मैं देखता हूँ आजू बाजू में केव में स्पॉन हुआ था और मेरे आसपास छोटे छोटे टाइगर हैं मेरे जैसे, शायद ये मेरे सिबलिंग होंगे, भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं। और देखता हूँ यहाँ पे वाइट टाइगर भी है और कुछ कुछ टाइगर सोए हुए थे और कुछ कुछ जगे हुए थे, मतलब अभी बहुत छोटे थे मेरे जैसे ही। और ये देखो यार कितना प्यारा वाइट टाइगर है और ये अभी सो रहा था, परेशान करूंगा नहीं, इनसे बात करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं शायद, और हो सकता है मैं सबसे छोटा हूँ या सबसे बड़ा हूँ मुझे पता नहीं, अभी अभी स्पॉन हुआ तो हो सकता है मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन मैं कैसे तो भी दीवार खोद जाता हूँ और एक केव से बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल जाता है। शायद ये लोग जा नहीं पा रहे होंगे और ये केव ऐसे ही बना होगा जिस टाइगर ने बनाया होगा ये केव या जिसने बनाया होगा। मैं जाता हूँ पेड़ तोड़ना चालू करता हूँ पहले, क्योंकि इस खतरनाक जंगल में सर्वाइव करने के लिए कुछ तो टूल्स चाहिए मुझे, तो पेड़ तोड़ने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार कितना प्यारा सा पॉन्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर मगरमच्छ भी हो सकता है, कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है, क्योंकि यार जंगल है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी नीचे जाता हूँ मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेकर, और यहाँ पर देखता हूँ यार लॉबस्टर है, लॉबस्टर को मारता हूँ मैं, कुछ मिलता नहीं है मुझे, पर फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे देखता है एक हाइना जो मेरे तरफ ही आ रहा था, अभी छोटा सा बच्चा था, इससे मैं बात करने का ट्राई करता हूँ और मैं इसको इसका नाम पूछता हूँ, तो ये बताता है इसका नाम अभी तक रखा नहीं गया क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है, और ये मुझे पूछता है मैं कौन हूँ, तो मैं इसको बताता हूँ टाइगर हूँ। तभी पीछे से मेरे ऊपर अटैक होना चालू हो जाता है, शायद इसकी फैमिली मेंबर नाराज हो गए मुझसे, तो मैं भागना चालू करता हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पीछे पूरे के पूरे झुंड पड़ गए थे। तो मैं निकल लेता हूँ वहाँ से और पॉन्ड क्रॉस करके मैं आ जाता हूँ इस वाले केव में अपने, और ये मेरा ही केव है मुझे अब मालूम चला है क्योंकि यहीं पर वापस आया हूँ मैं। केव में आते ही छोटे वाले टाइगर से बात करता हूँ मैं और उसको सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ में, तो ये मुझे बोलता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केव सेफ है। वैसे मैं देखता हूँ बाहर से बहुत आवाज़ें आती है जैसे किसी की लड़ाई चालू हो, तभी मैं देखता हूँ कि एक टाइगर सारे के सारे हाइना को मार देती है। तभी रात होती है और मैं देखता हूँ केव के बाहर एक टाइगर है, वैसे मालूम चलता है मुझे कि हमारा टाइगर मॉम है जिसने सारे हाइना को मार दिया। तो खाने के लिए हमें बहुत सारे पोक चॉप मिलते, खाने की चीज़ें मिलती है, चुपचाप खा के सो जाता हूँ मैं क्योंकि हाइना तो मर चुके हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगा था लेकिन शायद मैं गलत था। तो खाने का सामान मिलता है, सब लोग भिड़ जाते हैं, मतलब अब सब भूखे होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो और कुछ खाने के सामान और मिलते हैं जैसे कि ये वाला रॉ बियर मीट, पता नहीं बियर को मार दिया शायद टाइगर मॉम ने, तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ और चुपचाप सो जाता हूँ क्योंकि ये जगह सेफ लग रही है मुझे और ये जगह हमारा ही केव है तो अच्छी चीज़ है। जैसे सुबह होती है तो टाइगर मॉम निकल जाती है, शायद उसको किसी का शिकार करना हो या कुछ भी हो मुझे नहीं पता, तो चुपचाप मैं अपने टूल्स बना लेता हूँ और वो हमें बोलती है कि यहाँ से जाना बेकार है, बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं जाता हूँ, जैसे मैं केव के बाहर जाता हूँ मुझे एक छोटा सा एंट्रेंस दिखता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे तो बकवास लगा। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं आगे की तरफ जाता हूँ, मैं सिर्फ काम था मेरा पॉन्ड में मछलियों को मारने का क्योंकि मैं चाहता था और खाने की चीज़ें मैं जमा कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉबस्टर को मारता हूँ, एक हिट के थे लॉबस्टर क्योंकि यार मैं टाइगर हूँ, बहुत दम है मुझ में अभी तो लॉबस्टर टेल मिलता है मुझे और बहुत सारे फिशेस मिलती है। मैं आगे जाता हूँ, मुझे बीच दिखता है, मतलब जस्ट एक किनारा था समुंदर का, और यहाँ पे दिखता है मुझे एक बहुत अच्छा सा ट्री, अभी कौन सा ट्री है कमेंट करके बताना मुझे। और जब मैं बाहर गया हुआ था तभी एक शिकारी आता है हमारे केव की तरफ, अब मुझे पता नहीं ये शिकारी है क्या है पता नहीं, लेकिन इसके हाथ में हथियार है। तभी वो केव की तरफ देखता है, जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे टाइगर के बच्चे हैं, टाइगर नहीं है, तो समय का फ़ायदा उठाता है वो और सही समय पूरे पूरे टाइगर को उठा के लेके चलता है। पहले देखता है वो सबसे पहले रेयर वाला टाइगर को उठाता है जो वाइट टाइगर है, सच में बहुत ज़्यादा रेयर है, तो वाइट टाइगर को लेके निकल लेता है वो। अब ये शिकारी है या भिखारी है मुझे भी नहीं पता क्योंकि सारे टाइगर कब्स को ये लेके जाता है, एक एक करके केज में डालता है। पहले तो वाइट टाइगर को डालता है जिसके लिए आया होगा या यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता किसके लिए आया था, पहले वाइट टाइगर को डालता है और धीरे धीरे करके सारे के सारे टाइगर को डाल देता है वाले केज में। अभी तो छोटे टाइगर है इसलिए टोटल 5 थे, मुझे मिला के 6 थे, मैं तो बाहर था। अब मैं देखता हूँ कि दूर से कुछ देख रहा है, ये है गोरिल्ला का बच्चा, मतलब जो भी है वो वहाँ से तो निकल लेता है क्योंकि उसको तो नहीं फंसना था, ये सब कहानी मुझे वही सुनाता है। मैं जाता हूँ अपने केव की तरफ, मैं देखता हूँ वहाँ पे केज है और केज में कोई भी नहीं है, अब पता नहीं क्या हुआ था यहाँ पर, मुझे तो अभी तक पता नहीं था। मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ पूरा का पूरा केव हमारा खाली है, मुझे लगा बाहर गए होंगे सब लोग, लेकिन मुझे ढूंढने के बाद कोई भी नहीं दिखता है। बहुत देर में ढूंढता हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिखता है, मतलब एक भी टाइगर नहीं दिखता है। तभी देखता हूँ गोरिल्ला का बच्चा आता है मेरे तरफ, अब मुझे लगा शायद इसी ने कुछ किया होगा, लेकिन ये इतना बारीक था ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं इसको पूछता हुआ क्या था, तो ये मुझे बताता है सारे टाइगर को लेके चले गया हंटर, अब सारे टाइगर के बच्चे थे इसलिए लेके जा पाया वो, और वो शिकार करने आया था बड़े वाले टाइगर का, बड़ा टाइगर कोई था नहीं यहाँ पर इसलिए वो लेके चले गए उनको बेचने के लिए। और ये मुझे बताता कि ये केज के अंदर सारे बच्चों को रखा गया था, उसके बाद वो कहाँ पे लेके गया इसको भी नहीं पता क्योंकि ये भाग चुका था वहाँ से। तो मैं इसको बोलता हूँ केव के अंदर जाने के लिए क्योंकि खतरनाक है बाहर, इसके पास तो कुछ हथियार भी नहीं है और कुछ ज़्यादा ही बारीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ टाइगर मॉम को बुलाने के लिए, लेकिन मुझे एक बड़ा सा क्रिएचर दिखता है, पता नहीं हाथी से भी बड़ा था ये, और मैं देखता हूँ कि टाइगर की फाइट चालू है और ये टाइगर मॉम ही है शायद, और इसकी फाइट चालू है और ये मर जाती है, मतलब अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है। दो फाइट में इसने टाइगर को हरा दिया, भाई हमारा क्या हालत करेगा ये। तो मैं देखता हूँ कि आगे जाना चालू करता है, अभी सीधा पानी में चले जाता है, दिखने से तो म्यूटेटेड हाइना लग रहा है, लेकिन मैं उसको देखता हूँ और ये मेरे पीछे आना चालू करता है क्योंकि पानी के अंदर गया और मेरे जस्ट बाजू में पानी है, मतलब वो निकलने वाला पानी से और वो मेरे तरफ ही आ रहा है। उसने मुझे देखा तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। तभी मैं गोरिल्ला को बुलाता हूँ छोटे वाले, इसको मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। तो ये मुझे बोलता है कि इसकी फैमिली को भी उसी ने मारा है, वो बहुत छोटा था पहले,
मतलब कुछ समय पहले ही मारा है, मतलब वो जंगल में राज करना चाहता है पूरे टाइगर और लॉयन को हरा कर। तो मैं इसको लेके चलता हूँ झाड़ियों के बीच में, छुप जाता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे तो नहीं देख सकता हमें वो, तो मैं इसको छुपने बोलता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम छुपे हुए थे, शायद वो हाइना को आने में टाइम लग रहा था, रास्ता भटक चुका था, लेकिन वो आखिरकार पहुंच जाता है केव की तरफ और मैं थोड़ा सा देखता हूँ उसको ऊपर जाकर। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, अभी तक मैं छुपा हुआ था, लेकिन जैसे मैं ऊपर आके देखता हूँ वो मेरे पीछे बढ़ जाता है और उसकी आंखें देखो यार कितनी खतरनाक चमक रही है। मैं झाड़ियों के बीच से निकल तो जाता हूँ, बहुत सारे बुशेस थे और बहुत कुछ था, लेकिन वो शॉर्टकट मार के आ जाता है और वो मेरे फिर से पीछे पड़ जाता है। अब यार मेरे छोटे छोटे पैर है और उसको देखो यार, पता नहीं यार एलिफेंट से बड़ा है ये, इतना बड़ा कौन होता है। खैर कोई बात नहीं, वो मेरे 10 गुना साइज से भी बड़ा है, मतलब करीब करीब 50 गुना बड़ा तो होगा ही। लेकिन मैं पानी में कूद जाता हूँ और बच जाता हूँ। दूर से मुझे देखता है और मेरे ऊपर चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसको पानी से आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है उसका, इतना बड़ा सा जानवर है वो, जो भी है मुझे अभी तक पता नहीं क्या है वो। लेकिन तभी मैं आगे निकलता हूँ और मुझे लगता है गोरिल्ला खो गया, लेकिन सामने से खुदता है वो मेरी तरफ और मुझे बोलता है कि वो भी बच के निकला यहाँ से, क्योंकि वो पेड़ से खुद के निकला था इसलिए बच गया। मैं इसको इसका नाम पूछता हूँ, ये बताता है इसका नाम कॉन्ग है। तो यार कॉन्ग और मैं निकल जाते हैं यहाँ से, और मैं जैसे निकलता हूँ मैं देखता हूँ सामने एक बोट है। अब हो सकता है बोट से कोई भी निकले, लेकिन मुझे एक मशरूम दिख रहा था रेड कलर वाला, मैं उसके पास जाता हूँ। एक मशरूम का हुआ तो कुछ भी नहीं करेगा हमें, ये बोट थोड़ा हाइट में था और हमारी हाइट देखो एक ब्लॉक की भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ब्लॉक लगा था मेरे पास, ब्लॉक था। और तभी देखता हूँ एक मशरूम है, अभी मशरूम से बात तो नहीं कर सकता हूँ मैं, शायद इसको हिंदी नहीं आती है, पर खैर कोई बात नहीं, इससे बात करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हमें पता ही नहीं है कहाँ से आया है और इसको भी नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, लेकिन शायद ये आज़ाद हो जाता है क्योंकि शायद इसको जाने का रास्ता नहीं मिलता है, ये बहुत सालों से अटका हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि पुराना सा बोर्ड दिख रहा है मुझे। मुझे कुछ काम की चीज़ें दिखती है जो मेरे कोई काम की नहीं है, एक दो चीज़ें काम की है, जैसे कि ये सॉर्ड हो गया, क्योंकि मुझे अभी स्टोन खोदना नहीं पड़ेगा फालतू में। मैं अंदर जाने का ट्राई करता हूँ और अंदर चले भी जाता हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ इसलिए हाइट कम है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं है, इतने दिन से हम भाग रहे थे हमें बचने का रास्ता तो मिला कोई, तो हम यहाँ पे आके छुप जाते हैं। मुझे इतना तो पता है कोई भी हाइना है म्यूटेड हाइना यहाँ पर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दिन से हम भाग ही रहते हैं। तभी सुबह होती है, मैं देखता हूँ कॉन्ग आसपास है नहीं मेरे, तो मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ बोट है यहाँ पर, और ये बोट पता नहीं किसकी है, लेकिन कॉन्ग को मिलती है। तो कॉन्ग मुझे बोलता है हमको इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि जंगल हाइना का हो चुका है अभी, क्योंकि टाइगर तो लगभग मर चुके हैं और गोरिल्ला भी मर चुके हैं, जो पावरफुल होते हैं वो सब मर चुके हैं, और ये पता नहीं हमारे साथ में क्या हो गया, इतने छोटे हैं कि बोट के नीचे आ गए। तभी हम देखते हैं कि आइसलैंड ख़त्म हो चुका है और हम नए आइसलैंड में पहुंच चुके हैं, जंगल को हमने छोड़ दिए और हम सवाना और प्लेन से पहुंच चुके हैं। अभी हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये सवाना पूरा प्लेन था और यहाँ पे एक टेंपल टाइप था, मंदिर बना हुआ था स्टीव का। जैसे ये टेंपल को तोड़ता हूँ मैं देखता हूँ मुझे एक चेस्ट मिलता है, वैसे चेस्ट से पहले मुझे मिलता है एक आयरन सॉर्ड, और चेस्ट के अंदर मुझे मिलता है एक डायमंड और एक गोल्डन कैरेट। अब पता नहीं क्या काम का हुआ इतना, एक ही दो डायमंड मिला है। खैर कोई बात नहीं, रात हो जाती है, वापस ज़ेवरास दिखते हैं। मैं सोचता हूँ इनका हंट ना करूँ, क्योंकि हो सकता है ये लोग लात मार के मुझे भगा दे यहाँ से, कि अभी बहुत छोटे हैं हम लोग। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक कुआ है, लेकिन वो कुएं में कुछ भी हो सकता है इसलिए हम खोदते नहीं है। और हमें एक टेंट मिलता है, ये अबैंडेंड है, कोई नहीं है इसमें। और तभी मुझे कॉन्ग बोलता है कि ये ट्रैप्ड है, तो मैं वैसे ही तोड़ के देखता हूँ और मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे TNT। इस रास्ते को ब्लॉक कर देते ताकि कोई भी हमें ना मार पाए, और चुपचाप हम लोग सो जाते हैं पूरे रास्ते को ब्लॉक करने के बाद में। थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, थोड़ी बहुत कॉन्ग को भी दे देता हूँ। और ये वेज है, वेज टाइगर नहीं खाते, फिर भी मैं खा लेता हूँ इसे। आधा मैं एमरल दे देता हूँ, आधा स्टैक जो मुझे मिला था, क्योंकि एक वाली बांटना चाहिए हमें। चुपचाप सो जाता हूँ मैं, रात हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारे काम का सामान था इसको रख देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है हंट पर, मतलब हंट पर नहीं, कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए और बचने के लिए। तो मैं आगे निकलता हूँ, मुझे एक बर्ड दिखती है जो मेरे साइज़ की थी, मतलब मेरे आधे थी, और एक पूरा ब्रेड खा गई यार। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे निकलता हूँ, बर्ड टेम तो नहीं हुई पर बर्ड खुश हो गई है। मैं आगे जाता हूँ, बहुत सारे और बर्ड हैं मुझसे बड़े, उड़ा के ना ले जाए मुझे, लेकिन मुझे एक विलेज दिखता है। विलेज में जाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है मुझ पर अटैक हो जाए, पर विलेजर अटैक नहीं करते, तो मैं आगे जाता हूँ। और ये विलेजर को देखो यार, ये बेचारा डर के भाग जाता है, इसको लगता है टाइगर अटैक करने आया है, लेकिन यार मैं छोटा सा टाइगर हूँ, क्या ही अटैक करूँगा। तभी आयरन गोलम को भेजता है मुझे मारने के लिए, और आयरन गोलम से बात करता हूँ, मुझे लगा आयरन गोलम ख़त्म ही कर देगा मुझे, लेकिन मैं आयरन गोलम से बात करता हूँ, और यार बहुत ही अच्छा आदमी था, वैसे भी आयरन मैन है तो अच्छा ही होगा। तो इससे बात करता हूँ, इसको बताता हूँ मैं खो गया हूँ और मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है म्यूटेंट हाइना ने। तो ये मुझे बोलता है ये तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसको ये विलेज का रक्षा करनी है, लेकिन इसको बहुत सारे एमरल्ड देता हूँ मैं। तब ये बोलता है मुझे कि दो एप्पल ले लो, तो मैं दो एप्पल ले लेता हूँ, वैसे दो एप्पल देता है मुझे, इतने कुछ काम के नहीं है, इतना सारा एमरल्ड दिया मैंने। और एक गोलम तो चल जाता है, कितना अच्छा गोलम था यार, बताओ गोलम भी अच्छे होने लग गए। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से, और मुझे बहुत सारे काऊ दिखती है। अब भाई यार देखो, एक काय मेरे ऊपर पागल हो जाती है, मैं तो कुछ किया भी नहीं था, और इसकी आंखें पूरी लाल थी। तभी उसके पास जाता हूँ मैं, और मुझे एक हिट मारती है वो, मैं मारने तो नहीं आता काऊ को, लेकिन पता नहीं गाय कब से पागल होने लग गए। तो एक दो हिट इसको मारता हूँ मैं, और साथ ही साथ पूरे के पूरे झुंड को ख़त्म कर देता हूँ। अब पूरे गाय को मारने के बाद में खाने का जुगाड़ हो चुका है मेरे पास में। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, यार पता नहीं वुल्फ है या क्या है, ये हाइना तो नहीं है, क्योंकि ये हाइना होता तो मुझे मार चुका होता, और सवाना में कौन सा हाइना होने लग गए। खैर कोई बात नहीं, मैं टेंट के अंदर देखता हूँ कोई होता नहीं है। तभी देखता हूँ कॉन्ग खुद, और तभी मुझे याद आता है ये गोरिल्ला है, ये बहुत ज़्यादा हाइट से खुद सकता है, इसको कुछ भी नहीं होता है। तो इसको सारी बातें बताता हूँ मैं, और इसको एक गोल्डन एप्पल देता हूँ।
तो ये खुश हो जाता है क्योंकि इसके साइज का गोल्डन एप्पल था और मुझे बहुत सारे बनाना देता है ये। अब पता नहीं बनाना कहाँ से लेके आया था, खैर कोई बात नहीं, पेड़ से तोड़ के लेके आया होगा, बनाना के पेड़ कहाँ से होने लगे पता नहीं। हम लोग खा लेते गोल्डन एप्पल और तभी हम लोग हो जाते ओवर साइज, मतलब ओवर साइज नहीं एक्चुअल साइज में आ जाते अपने, और हम बन चुके अभी एडल्ट, कम से कम तो अपनी रक्षा कर सकते, मतलब बच सकते जिंदा हम लोग। तो मैं देखता हूँ अपना पूरा सामान और कोई गायब तो नहीं हुआ था कुछ, वैसे ये कॉन्ग तो कुछ नहीं करेगा लेकिन वो हाइना या कुत्ते पता नहीं कौन आके लेके जा सकते हैं। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं अपना पूरा सामान लेके, क्योंकि जगह भी सेफ नहीं है, हमें और अंदर जाना है और अच्छी जगह में अपना घर बनाना है, कम से कम केव तो बनाना है। तो मैं आगे देखता हूँ यहाँ पे एक टेंट है और इस जगह को देखो यार, जंगल के दूर है एकदम, मतलब जंगल के पास है पर ये वाला जंगल दूसरा है। मैं देखता हूँ मौसम भी ख़राब हो चुका है, जल्दी हमको एक घर बनाना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से भटक रहे हैं। हमें एक भूत दिखता है तो कॉन्ग बोलता है वहाँ पे एक भूत है और मुझे दिखता है वो भूत, उसको सांप मार देता है लेकिन उससे पहले मैं मारता हूँ। पता नहीं सांप ने मारा मैंने मारा मुझे भी नहीं पता, पर भूत भी मरने लगे वो भी सांप से, मुझे नहीं मालूम था। और टेंट में एक चेस्ट रखा हुआ था, वो चेस्ट को खोलता हूँ मैं और इससे गंदी लूट आज तक नहीं देखा मैंने। तभी देखता हूँ कि कॉन्ग का मैटर हो जाता है पता नहीं किसके साथ में, अभी लड़का लड़की जो भी है अजीब से जो भी है मुझे नहीं पता, तो इनको मारना ही पड़ेगा हमें क्योंकि ये लोग अटैक कर देते हैं हमारे ऊपर, पता नहीं किसने अटैक पहले किया, लेकिन अब बचना तो पड़ेगा हमें। और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी भी ज़ॉम्बी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब भाई यहाँ पे अजीब अजीब लोग रहते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा एंट्रेंस दिखा था केव का, हम वहाँ पे घुस जाते हैं। तभी देखता हूँ फैंटम हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं और जो केव एंट्रेंस हमें दिखता है हम चुपचाप यहाँ पे चले जाते हैं। अब मैं तो आ जाता हूँ, पता नहीं कौन कहाँ पे रह गया। एक फैंटम आने का ट्राई करता है अंदर लेकिन आ नहीं पाता है, अंदर आके तो मरेगा उसको पता है। तो चुपचाप मैं ये एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ, किसी को मालूम नहीं चलेगा। वैसे केव नहीं है ये, छोटा सा एंट्रेंस था, इसको हम घर अपना बना सकते हैं क्योंकि अच्छी जगह है। तभी सुबह होती है और मैं प्लैंक को तोड़ता हूँ, तभी देखता हूँ अच्छा था मौसम था बाहर, तो अब बारी हमारे पूरे जगह को अच्छे बनाने की। तो यहाँ पे खोदना चालू करते हैं हम लोग केव के लिए, तो ये जगह को अच्छे देखते हैं हम लोग क्योंकि कोई और लायन या टाइगर का केव तो नहीं है ये, फालतू में आगे खोल वोल जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन किसी का भी नहीं था ये। हम एरिया को अच्छे देखते हैं, किसी का भी नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे खोदना चालू कर देते हैं। हमें थोड़े बहुत ब्लॉक भी चाहिए थे क्योंकि ये केव को अच्छा सा बड़ा बनाना है हमें अपने लिए, तो ये अच्छा सा केव बनाते हैं हम लोग और इस एरिया को पूरा खोद देते हैं। इसमें दो तीन रूम भी बना देते हैं, मतलब केव में रूम नहीं होते पर थोड़े बहुत ओपनिंग तो होती है ना, तो एरिया को पूरा खोद देता हूँ मैं और ये वाला काम मेरा ही था। और ये काम करते करते मुझे एक और चीज़ याद आता है कि जो हंटर है उसको भी तो पकड़ना है मुझे, क्योंकि छोटे छोटे टाइगर को किडनैप करके लेके चले गया है वो। अभी मैं तो बड़ा हो चुका हूँ क्योंकि अभी गोल्डन एप्पल खाया था मैंने, लेकिन तभी मेरे पूरे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं और पूरा आयरन का मैं आर्मर बना लेता हूँ। अभी तो नहीं बनाता लेकिन आयरन मेरे पास में हो चुके हैं, मतलब मैं आर्मर बना सकता हूँ अभी। तो मैं पूरे के पूरे एरिया को अच्छा बना देता हूँ और अपना केव देखो यार धीरे धीरे बढ़िया सा बन रहा है, अभी तो नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन उसको पूरा हम नेचुरल बना देंगे बाद में। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने एरिया को देखता हूँ, मेरे लिए बराबर है ये एरिया, मतलब टाइगर बहुत बड़े होते हैं ना इसलिए। तो मैं अपना आर्मर बना लेता हूँ पूरा आयरन का आर्मर, और अभी मैं थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि अभी आयरन का आर्मर भी है मेरे पास में। मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा डेकोरेशन के लिए सामान लेने के लिए, और यहाँ पे मुझे दिखता है एक बुश, बहुत बड़ा सा बुश था जो भी तक काम आने वाला है मेरे। और मुझे लीव्स चाहिए थे बहुत सारे क्योंकि केव में लीव्स नहीं होंगे तो क्या ही। लीव्स के साथ ही साथ थोड़े बहुत वाइंस भी चाहिए मुझे, तो वाइंस भी लेकर निकल लेता हूँ मैं। मुझे दिखता है कॉन्ग, पता नहीं क्या कर रहा था वो, शायद गया होगा यहाँ पे आजू बाजू का एरिया देखने के लिए, या हो सकता है डेकोरेशन के लिए सामान लेने गया होगा लीव्स वगैरह ही, लेकिन उसको मिलता नहीं है। अब पता नहीं इसके हाथ में बनाना दिखता हमेशा मुझे, क्या बात है यार, पता नहीं गोरिल्ला बहुत ज़्यादा शौकीन होते बनाना के। लीव्स और वाइंस लगाने के बाद में मैं यहाँ पे बहुत सारे बैरल लगाता हूँ और बैरल में अपना सामान रख देता हूँ। डायमंड अभी मेरे कोई काम का नहीं क्योंकि एक ही है मेरे पास में और अभी माइन करने का समय भी नहीं है इतना, क्योंकि कोई भी मिल सकता है हमें माइन के अंदर, और यार हमें मारना भी तो है बहुत सारे लोगों को, खास करके वो हंटर को और म्यूटेंट हाइना को। हमारा केव भी पूरा हो जाता है और केव देखो यार कितना बढ़िया सा लग रहा है, हमारा गोरिल्ला मतलब हमारा कॉन्ग भी बहुत अच्छे से काम करता है। तभी रात हो जाती है, बहुत दिनों का हमें केव बनाते बनाते, तो हम चुपचाप सो जाते हैं। अभी हमारे पास अच्छा सा घर है और वो भी एकदम कोने में घर है, मतलब उतना दिखता नहीं है घर, हमने लीव्स लगा दिए तो ग्रीनरी दिखती है। अब पता नहीं ये कौन सा कार्टून था अटैक करना चालू करता है मेरे ऊपर, लेकिन तब तक वो रन अप लेता है तब तक मैं मार देता हूँ उसको। मैं जंगल के अंदर जाता हूँ और जैसे ही बाहर निकलता हूँ मैं एक सवाना से निकलता हूँ, बहुत समय बाद जंगल से निकला हूँ बाहर मैं क्योंकि वो जंगल बहुत बड़ा था। तभी मुझे दिखता है ब्लैक पैंथर और मैं इसे बोलता हूँ वकांडा फॉरएवर, तो ये खुश हो जाता है और मुझे बताता है कि यहाँ पे आसपास एक हंटर रहता है, मैं इसको खाने की चीज़ें भी देता हूँ और ये ले लेता है। शायद ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था पर ये बताता कि हंटर का घर बाजू में ही है, तो मैं देखता हूँ यार सही में यहाँ पर एक हंटर का घर है और ये हंटर के बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर देखता हूँ एक केज है, दूर से केज नहीं दिखता लेकिन पास जाकर देखता हूँ तो मुझे छोटे छोटे टाइगर दिखते हैं और वाइट टाइगर दूर से दिख जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये मेरे टाइगर है जो भी मैं बचाने वाला था वैसे भी। तो एक हंटर को तो मार देता हूँ लेकिन एक हंटर इतनी हेल्थ ले गया मेरी, तो सोचो यार 15-20 है वहाँ पर कितने मारेंगे मुझे। तो खैर मैं आगे निकलता हूँ कॉन्ग को बुलाने के लिए, लेकिन देखता हूँ कॉन्ग मेरा ही पीछा कर रहा था। अब शायद हो सकता है मेरे पीछे पीछे आया हो या भटकते हुए आया हो। तो कॉन्ग को मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, तो कॉन्ग मुझे बोलता है हमें इनको मारना ही पड़ेगा क्योंकि शायद यहाँ पे मेन वाला हंटर है नहीं यहाँ पर। तो मैं जाता हूँ उनको मारने के लिए और कॉन्ग को बोलता हूँ एक को मार के आने के लिए, तो कॉन्ग मार के भी आ जाता है और कॉन्ग मुझे बोलता है कि इनको हम मार सकते हैं एक एक करके। तो हम जाते हैं उनको मारने के लिए और हमारी फाइट चालू हो जाती है। कॉन्ग बोलता है उनके पास से एरो और बो भी मिला है, अब मुझे तो नहीं मिला था, खैर कोई बात नहीं। तो हम जाते हैं उसको मारने के लिए और यार छुप छुप के मार रहे हैं लोग पेड़ के नीचे या कहीं पर भी।
अब ये लोग ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहे हैं, मतलब एक्चुअली ग्लोइंग इफेक्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग, पॉइजन दे रहे हैं हमें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे भी एक बो एंड एरो मिल जाता है इनका, इन्हीं का एरो इन्हीं को मार रहा हूँ मैं, मतलब यार ये लोग भी बहुत बुरी मौत मार रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो टाइगर है और गोरिल्ला भी है, मतलब जो भी है खतरनाक है हम, ये तो इंसान ही है, ये तो इजीली मर रहे हैं। एक आखिरी वाला बचा हुआ था, मैं और कॉन्ग मिलकर उसको मार देते हैं, मतलब आखिरी हिट तो मैं ही मारता हूँ उसे। लेकिन देखा जाए तो इनमें दम बहुत है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग दो दो थे, इजीली मार दिए इन लोगों को, इजीली तो नहीं मारे, हमको भी टाइम लग गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुआ दिखता है, मतलब जो भी था यार ये विशिंग वेल तो नहीं था क्योंकि खतरनाक है। मैं देखता हूँ केज में बहुत सारे टाइगर है छोटे छोटे, और ये मेरे ही टाइगर भाई बहन है, मतलब सिबलिंग्स है, मैं पहचान गया था इनको व्हाइट टाइगर को देखे, क्योंकि यार शायद ये व्हाइट टाइगर बहुत ज़्यादा ही रेयर है। और इनको मैं पूरा फूड दे देता हूँ, मेरे पास गोल्डन एप्पल होता तो गोल्डन एप्पल देता, ये लोग मेरी हेल्प करते हाइना को मारने में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी गोल्डन एप्पल नहीं है मेरे पास में, तो क्या कर सकते हैं, मैं इनको फूड देता हूँ और ये लोग ब्लेसिंग देते हैं मुझे, शायद पता नहीं क्या होता है ऐसे, मुझे भी नहीं पता। लेकिन पूरे केज को तोड़ देता हूँ मैं, और तभी पूरे के पूरे टाइगर यहाँ से निकल जाते हैं। अभी तक मैंने मेन हंटर को तो मारा नहीं हूँ, लेकिन उसके पूरे लोगों को मार दिया मैंने, लगभग तो खत्म कर दिया, अब इससे ज़्यादा कितने होंगे। तो पूरे टाइगर को लेकर मैं अपने केव में आ जाता हूँ, और एक केव में मैं इनको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, हंटर फिर से आ सकता है, क्योंकि बेबी टाइगर को मारने के लिए व्हाइट वाले, खास करके मारने तो नहीं उसको बेचने के लिए। तो तभी मैं जाता हूँ हाइना को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी पावरफुल हो चुका हूँ, उतना तो नहीं हुआ हूँ पर कम से कम उसका बेस तो मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मुझे उसका बेस तो नहीं दिखता है, लेकिन एक नीमन लायन दिखता है। अब यार मैं इसको जैसे ही देखता हूँ, पता नहीं क्या होता है, इसको मेरे पीछे आता है, मैं समझ चुका था ये मेरे ऊपर गुस्सा है, खोला हुआ है मेरे ऊपर, अबे मुझे कभी भी मार सकता है, इसका साइज़ देखो यार कितना बड़ा है वो। तो मेरे पास आता है वो, और मैं समझ चुका था मुझे मारने ही वाला है, और ये पिलेजर भी मेरे ऊपर अटैक करते हैं, शायद ये भी नीमन लायन के लोग हैं, अब जो भी है मुझे पता नहीं, नीमन लायन बहुत ही बड़ा है, मतलब ये तो बॉस है सीधा यहाँ का। अब मेरे ऊपर अटैक करता है, और एक ही बार में 4-5 हार्ट ले गया हूँ मेरी, मतलब यार क्या ही खतरनाक इंसान है। तो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, और तभी देखता हूँ ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब यार मुझे भागने पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, 2 बार में मुझे मार सकता था वो। तो मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, और बहुत सारे खाने का सामान लाता हूँ, जिसको मैं फर्नेस में पकाने के लिए छोड़ देता हूँ। तभी देखता हूँ कि कॉन्ग आता है, और कॉन्ग मुझे बताता है कि लाइट हाउस में वो वाला हंटर है, मतलब वो पूरे अपनी सेना के साथ है, थोड़े बहुत लोग बचे हुए उसके ऊपर बचे हुए। तो मैं उसको जाता हूँ मारने के लिए, पहले मुझे मारना भी था उसको, और हाइना का पता भी करना था, मतलब म्यूटेंट हाइना का, और मुझे ये भी पता करना था कि म्यूटेंट हाइना ने क्यों अटैक कर दिया टाइगर के ऊपर, मुझे पता तो नहीं वैसे। मैं देखता हूँ ऊपर ही है वो अपने लोगों के साथ में, और इसका लाइट हाउस देखो यार कितना खतरनाक है, पता नहीं चमक भी रहा था। तो पानी में कूदता हूँ और इसके लोगों के ऊपर अटैक करता हूँ, भाई इसके लोग ज़्यादा ही अटैक दे रहे थे मुझे, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इजीली उनको मार देता हूँ मैं। एक दो और थे वहाँ पर, उनके ऊपर भी अटैक करता हूँ, और वो लोग भी मर जाते हैं उन्हीं के बो एंड एरो से। इनको और मारने के बाद में एक दो फाइनल बचे हुए थे, तो अंदर जाता हूँ मैं पानी से होकर, मतलब यार लाइट हाउस पानी में था, खैर कोई बात नहीं, बीच में था वो, तो इसको मार देता हूँ मैं। और आखिरी वाला बचा हुआ था, तभी कूदता है हंटर नीचे से, और ये हंटर यार बहुत ही खतरनाक लग रहा था मुझे, लेकिन मैं गलत था, ये भागना चालू करता है, शायद ये ज़मीन में जाना चाहता है फिर मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ और ये भाग जाता है, फिर मेरे ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है मुझे। तभी मैं इसके ऊपर बो एंड एरो रखता हूँ, ये समझ चुका था कुछ नहीं कर सकता है मुझे। तभी ये हार मान जाता है और बोलता है कि इसने पैसों के लिए किया था, पता नहीं कौन पैसे दे रहा है इसको। और ये मुझे बताता है म्यूटेंट हाइना को मारने का हथियार नीमन लायन के बेस में है, तो मैं इसको तो मार देता हूँ क्योंकि इसने बहुत गलत काम किया था। और तभी म्यूटेंट हाइना मेरा पता कर लेता है, और तभी वो पहुंच जाता है मेरे केव में, और मेरे केव में पूरा अटैक कर देता है, बॉम्ब वॉम्ब फोड़ देता है, मतलब पता नहीं कौन सा अटैक था इसके पास में, कौन से विच के पास गया था ये, और सारे के सारे टाइगर कब्स को भी मार देता है वो, भाई बहुत ही खतरनाक इंसान निकला है तो। और तभी ये कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग में थोड़ा बहुत दम था, और कॉन्ग वहाँ से तो निकल जाता है, और ये भी यहाँ से निकल जाता है, इसको लगा कॉन्ग बहुत बुरी मौत मरेगा, और ये निकल जाता है कि किसने कॉन्ग के ऊपर अटैक कर चुका था। और कुछ दिनों के बाद पहुँचता हूँ मैं अपने बेस में, तभी देखता हूँ कॉन्ग यहाँ पर है, और कॉन्ग के ऊपर से पॉइजन निकल रहा है, मतलब कॉन्ग को किसी ने पॉइजन दे दिया। और कॉन्ग मुझे बताता है कि म्यूटेंट हाइना आया था और सबको मार के चले गया, और ये मुझे बताता है बड़ी मुश्किल से भागा ये और इसके ऊपर पॉइजन हुआ है। तभी कॉन्ग मर जाता है, और पता नहीं यार बनाना छोड़ देता है ये, खैर बनाना से अलग ही प्यार था इसको, तो इसको बनाना खाता हूँ मैं, और अब तो उसे बदला लेना ही पड़ेगा। तभी मैं केव के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ सारे टाइगर मर चुके हैं छोटे वाले, और इसको देखो यार कार्टून यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसको एक फाइट मारता हूँ, एक बार में मर जाता है ये, शायद पता नहीं देखा होगा यहाँ पर कुछ अटैक वटैक हुआ है तो चोरी करने आया होगा। लेकिन वो जो पहला बंदा दिखा तो इसको मार दिया मैंने, मैं जाता हूँ सीधा नीमन लायन के पास में, अब उसके बेस में जाना है मुझे, मतलब उसके केव में जाना है। नीमन लायन तो वहाँ पर पता नहीं धूप सेक रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं जाता हूँ उसके केव में। उसके केव में पता नहीं यार खून वून था, और यहाँ पे हड्डियाँ वड्डियाँ थी, कंकाल थी, शायद ये हड्डी मुड्डी खाता होगा। तभी मुझे एक चेस दिखता है और एक हथियार दिखता है, और अच्छा चेस्ट प्लेट दिखता है, तो इसको चुपचाप पहन लेता हूँ मैं, और अब इसी हथियार से नीमन लायन को मारूंगा मैं, क्योंकि ये शायद उसके साथ मिला हुआ है म्यूटेंट हाइना के साथ, और ये सबके सब एक साथ म्यूटेंट बने हैं। नीमन लायन भी म्यूटेंट है यार, लायन होके भी टाइगर का साथ नहीं दे रहा है, बताओ वैसे लायन टाइगर का साथ कब देते हैं। लेकिन तभी इसके ऊपर अटैक करता हूँ मैं, और इस हैवान को बो एंड एरो से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये शॉर्ट से तो बहुत कुछ हो रहा था इसको, शायद ये शॉर्ट वगैरह इनको ही मारने के लिए बनी हुई है, पता नहीं कौन से विच ने मैजिक की है इसके साथ में। तभी इसको गोल गोल घूम के मारता हूँ मैं, मेरे पास में स्पीड बहुत अच्छा है,
मतलब अभी स्पीड बहुत है ना मेरे पास में, ये बड़ा सा इसमें स्पीड उतनी नहीं है, और इसको तो मार देता हूँ मैं इसके मतलब चेलों को, और ये पानी में फंस जाता है, इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये इतना बड़ा है कि ये तैर भी नहीं सकता है और ये डूब भी नहीं रहा था, तभी फ़ायदा उठाकर इसको मार देता हूँ इजीली मैं। इससे कुछ नगेट मिलते हैं मुझे और एक हाइड मिलता है, और एक जोकर फिर मिलता है मुझे, इसको फिर से मार देता हूँ मैं। अब पता नहीं इसको क्यों मार रहा हूँ बार बार, अब जगह जगह पर मिलेगा तो मारना ही पड़ेगा। और मैं उस जगह में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मुझे हंटर ने बताया था कि वो हो सकता है म्यूटेंट हाइना, तब ये पहुँच जाता हूँ उस जगह में, मुझे कैंपर दिखता है और कैंपर को तो बहुत बुरी मौत मारता हूँ, और एक कार्टून फिर से दिखता है, इसको भी मारता हूँ। तभी देखता हूँ आगे म्यूटेंट हाइना है, उसके पास जाता हूँ मैं, और यार ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे फिलहाल तो, अब इससे भी स्पीड हो सकता है वो और ताकतवर भी हो सकता है। तो इसको मैं बोलता हूँ इसने क्यों किया ऐसा, तो ये बोलता है कि टाइगर ने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। अब पता नहीं यार ये बदले का बदला लेना चाहता है, खैर कोई बात नहीं, इस पर अटैक करता हूँ मैं, उसकी स्पीड देखो यार पागल हो चुका था, लेकिन उतना अटैक नहीं कर पा रहा था मेरे पे, क्योंकि मेरे पास में वो वाला आर्मर सेट है और मेरे पास में एक शॉर्ट भी है, और मुझे इसकी कमज़ोरी पता है, आग इसकी कमज़ोरी है, तो जैसे इसको आग लगती है थोड़ी देर के स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत दम था, इतना मारने के बाद भी कौन नहीं मरता है, मेरे पास में तो अच्छा सा आर्मर है। तभी एक दो हिट मारता हूँ इसको मैं और थोड़ा दूर चल जाता हूँ, और एकदम स्पीड में आता है, लेकिन एक दो हिट के बाद फाइनली इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं, और मेरा बदला भी पूरा हुआ, लेकिन सब तो मर ही गए। और इस एवान को मारने के बाद में 100 डेज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।